बहुत ही अच्छा है पुष्कर मेले में। यहाँ पर घोड़ों का बिकना हो, ये ऊँट बिकने के लिए फेमस है मेला। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला लगता है राजस्थान के अंदर, जहाँ पे हम हमारे परिवार के साथ आए हैं। उस सुबह से पहले तो हम पुष्कर सरोवर में जहाँ पे गऊ घाट पे नहाए थे, फिर ब्रह्मा जी के मंदिर में मंदिर के दर्शन किए थे। उसके बाद यहाँ पे कैमल सवारी ऊँट सवारी का आनंद लेते हुए राजस्थानी वेशभूषा पहनकर जिसका परिवार के साथ संपूर्ण आनंद उठा, तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर पुष्कर? मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पर घूम करके। क्या पहली बार आए, पहले भी कभी आए? नहीं, मैं ऐसे तो यहाँ का लोकल ही हूँ, लेकिन इस वेशभूषा को पहनकर ऊँट की सफारी जो है पहली बार ही कर रहे हैं। आपका पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम जो है महेंद्र साहू है। हम यहाँ पर नागौर जिले में कोटंज के रहने वाले हैं। और हम यहाँ ये पुष्कर का जो मेला है इसको स्पेशली विजिट करना है। यहाँ जैसा कि हमने सुना था कि यहाँ घुड़सवार, घोड़ी सवार, कैमल राइडिंग और ये सब होता है, तो हम उसको एक उसके लिए हम अपनी कंपनी के लिए एक प्रमोशन करने आए कि हम अपनी कंपनी का कैसे इनिशिएट कर सकते हैं। आजकल जमीन में, रेगिस्तान में लैंड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो हमारे जो चेयरमैन सर हैं मिस्टर प्रदीप बर्मन जी, जो डावर ग्रुप के एक्स चेयरमैन भी हैं, उनका एक इनिशिएट है कि बिना कम जमीन के आप हरा चारा कैसे उगा सकते हैं। तो उसके लिए हम हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी लेके आए हैं और हमने यहाँ सारे जितने भी हमारे हॉर्स राइडर हैं सभी से हम लोग मिले, उनको हमने समझाया, उन्होंने जैसा हमें फीडबैक दिया कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और जिसके लिए मैं और मेरे कलीग्स मोहित चौहान दोनों ने यहाँ काफ़ी दो दिन से काफ़ी हम काम कर रहे हैं, सभी को हमने ग्राउंड पर जाके पता लगाया कि कहाँ पर कमी है और हम इस चीज़ को कैसे दूर कर सकते हैं। तो जब हम अगली बार आएंगे तो हम ये चाहेंगे कि हमारे 50% हमारी मशीनें जगह देश के जगह जगह कोनों में हॉर्स फॉर्म में लग चुके हैं। कितने दिन पहले आ गए आप? दो दिन का हम लोगों का, दो दिन का अभी हो चुका है और 12 तारीख तक रहेंगे यहाँ पे। एक्चुअली तुम लोगों को क्या देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट तो कल्चर है, बड़ा कल्चर है, राजस्थान कल्चर देखने को मिलता है, सारी चीज़ें हैं। और अभी सुबह यहाँ पे ब्रह्मा जी के मंदिर भी हम लोग गए दर्शन करने के लिए, वहाँ पर सारी चीज़ देखी। उसके बाद अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है, मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ से लोग आते हैं, फॉरनर भी आते हैं, अपने देश विदेश में भी लोग आते हैं। और इस पुष्कर मेले से हम लोग को क्या है कि हम लोग एक भारतीय संस्कृति से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, सीखते हैं क्या हो रहा है, कैसे दूसरी संस्कृति को अपनाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के यहाँ लोग आते हैं तो देखते हैं, यहाँ कैमल्स राइडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, सारी चीज़ होती है और भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, तो अच्छा मज़ा आ रहा है। देखें यहाँ पर हमें, आपका पूरा नाम? हाँ, मोहित चौहान में है। मोहित, मेरा नाम मोहित चौहान है। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। और बेसिकली हमारी कंपनी का मेन मोटो है कि गो ग्रीन, सब कुछ हरा करो, बिना जमीन के सब कुछ हरा। तो इसलिए हम जो अपने कैमल्स हैं, हॉर्सेज हैं, कैटल्स हैं, इनके लिए फीड तैयार करते हैं। फीड मतलब एक दाना तैयार करते हैं जो हरा चारा होता है, प्रॉपरली ऑर्गेनिक होता है। और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घुड़सवारों से या फिर हमारे हॉर्स राइडर स्टड फॉर्म वालों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मशीन को लगवाएं। और देश के लिए मोदी जी का एक अभी एक जल सशक्तिकरण अभियान आया था जिसके अंदर हमें जल बचाने का एक मोटो लिया गया है। हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम कम से कम जल में ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें। धन्यवाद। क्या है आपका नाम? सर, हम पुष्कर से ये गोविंद है सर। हमारा काम ये है रासायनिक ड्रेसों का, हमारा घर परिवार इससे ही चलते हैं सर। जैसे हमारा परमानेंट ये काम है हमारा, ऑफ सीजन में यही है, सीजन में यही है। बाहर से आए हुए आप इनको, आप यात्री वगैरह को किस प्रकार का आप बताते हैं, इनको ड्रेस वगैरह किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं आप? हम उनको बताते हैं, हम राजस्थान के लिए राजस्थान ड्रेस वगैरह पहनाए जाते हैं। यहाँ पे 20-25 का मिनट का ब्रेक होता है, यहाँ फोटोशूट होता है, राजस्थान ड्रेस पहनाए जाते हैं, कपड़ों को ऊपरी कपड़ा पहनाए जाते हैं, लड़की को लड़की, जेंट्स को जेंट्स, जैसे अपन चूज करते हैं वैसा वाला ड्रेस बनाए जाते हैं। इसमें किस किस प्रकार की ड्रेस अपने पास में? ये सारे पूरे कलर 25 कलर मिलेगा, उसमें से जो चूज करेगा वो ड्रेस बनाया जाता है यहाँ पे। एक ड्रेस में कितना खर्चा आ जाता होगा आपके? हमारे यानी उसी में पूरा नफा घाटा 50 रुपये मिलता है एक ड्रेस में, एक वन मेम्बर ला 50 रुपये मिलते हैं हमारे, वैसा है। क्या पूरा परिवार इस पर? हाँ, पूरा हमारा परिवार इसी भी चलता है। 50 से लगे। एक दिन में आपके कम से कम कितने कस्टमर से आ जाते हैं? हाँ, वो तो कस्टमर ऊपर होता है, मेले के हिसाब से तो 20-30 बच्चे बढ़ जाते हैं, नहीं तो बाकी तो 20-25 ही आते हैं। जैसे 20-25 में हमारा गुजारा हो जाता है, 200-250 रुपये मजदूरी मिल जाता है, और क्या है, हम किसान लोग तो शहर वासियों को और भी को ग्रामीणों को कुछ मैसेज देते हैं आप इस बारे में कुछ? हाँ, वो तो होता है मैसेज, तो कभी होता तो कर देते, नहीं तो वैसे इतना कोई खास नहीं देते। आपका नाम बताओ? मेरा नाम दारा सिंह। कहाँ पे आप? हाँ जी, कहाँ पे रहते हैं आप? कनाडा में। मेले में आप ये मेला या लगाते दुकान वगैरह? हाँ, मेले में हमारा तो वैसे 12 महीने रहते हैं यहाँ पे। तो दुकान आप क्या किराए पे लेते हैं वैसे? नहीं, किराए पे नहीं लेते, हम तो खुद ही चलाते हैं, इधर कोई किराया नहीं लेते। ठीक है,
हिसाब से चला रहते हैं और जो मजदूर होता है वो लेके चले जाते हैं। शाम को हमारा ड्रेस है वो भेड़ा इकट्ठा करके लेके चले जाते हैं, वापस घर पे ले जाते हैं। फिर 100 से लेके 1000 रुपये जैसा डेकोरेशन होगा, जैसा जरूरी होगा वैसा लगाएगा। जैसा परिवार में सभी सदस्य इसी काम में लग जाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, हम एक ही बंदे हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, बाकी लोग हैं जो घर वाले तो खेती बाड़ी करते हैं, हम तो खुद किसान लोग हैं। पूरा नाम बताओ आपका। मेरा नाम धारा सिंह है।